हेलो फ्रेंड्स, फ्लेवर्स ऑफ किचन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे राई का खट्टा और तीखा सा मोटी हरी मिर्च का भरवा अचार, जो बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाता है और दो दिन में यह खाने लायक हो जाता है। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं मोटी हरी मिर्च का भरवा टेस्टी सा अचार। तो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम हरी मोटी मिर्चें ले ली हैं, जिन्हें मैंने धो लिया था और 2 से 3 घंटे के लिए धूप में रख दिया था। अब इसे मैं कपड़े से अच्छी तरह पूछ लेती हूँ। अब फ्रेंड्स, हम इन मिर्चों के ऊपर से निकाल देंगे सारे डंठल और इन मिर्चों में हम एक लंबा सा चीरा लगा लेंगे। फ्रेंड्स, इस बात का आप ध्यान जरूर रखें कि मिर्चें सारी सूखी हुई होनी चाहिए, मिर्चों में बिल्कुल भी कहीं पानी नहीं होना चाहिए, इससे हमारा अचार खराब हो सकता है। तो आप धूप जरूर दिखाइए मिर्चों को। सारी मिर्चों में हमने इस तरह से चीरा लगा लिया है, हमें बीज नहीं निकालने हैं इसके अंदर से। अब हम मसाला तैयार कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये मैंने 3 टेबलस्पून राई का पाउडर लिया है। राई को मैंने मिक्सी में पीस लिया था। अगर आप मार्केट में आपको रेडीमेड राई का पाउडर मिलता है तो आप वो भी ले सकते हो। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 चम्मच साबुत सौंफ का और 1 चम्मच ही हम लेंगे कलौंजी साबुत। 1 चम्मच हम डाल रहे हैं लाल मिर्च का पाउडर, 2 चम्मच हम ले रहे हैं पिसी सौंफ, 1 चम्मच हमने साबुत लिया और 2 चम्मच हमने पिसी भी ली है, 3 चम्मच हम ले रहे हैं धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हम ले रहे हैं हींग जरूरी है इसमें डालनी, 1 चम्मच हम हल्दी पाउडर ले रहे हैं और 1.5 चम्मच हम ले रहे हैं नमक। सब मसालों को हमें अच्छी तरह आपस में मिक्स कर देना है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि सारे मसाले वही हैं जो घर में इस्तेमाल होते हैं डेली में, तो सब चीज़ आराम से आपको घर में अवेलेबल हो जाती हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1/2 कप सरसों का तेल। सरसों के तेल को मैंने अच्छी तरह गर्म करके ठंडा कर लिया था। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम सरसों का तेल बहुत ही कम इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर भी आप देखिएगा आपका अचार पूरा साल चलेगा और ये कहीं से भी ख़राब नहीं होता है। मसाले में सरसों के तेल को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है हमने। अब हम मिर्चों को भर लेते हैं। तो सारी मिर्चों को हम इस मसाले से भर लेंगे। फ्रेंड्स, ये अचार इतना टेस्टी लगता है, ये 2 दिन में ही खाने लायक हो जाता है और आप इसे पूड़ी, पराठे, रोटी, सब्जी, चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं, ये बहुत टेस्टी लगता है। तो देखिए, हमने सारी मिर्चों को अच्छी तरह भर लिया है मसाले से और ये जो मसाला बचा है ये हम मिर्चों के ऊपर ही डाल देंगे। मैंने एक बर्नी ले ली है, इसे मैंने धोकर धूप में सुखा लिया है अच्छी तरह। अब सब मिर्चों को हम इसके अंदर भर देते हैं। तो देखिए, सारी मिर्चें इसके अंदर आ गई हैं, बाकी की हम दूसरी बर्नी में भर लेंगे। ढक्कन लगाकर इसे 2 दिन के लिए हम धूप में रखेंगे। 2 दिन बाद हमारा अचार खाने लायक हो जाएगा। फ्रेंड्स, 2 दिन बाद देखिए हमारा अचार बिल्कुल बनके तैयार है और यह बहुत टेस्टी लगता है खाने में। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत जल्दी से झटपट बन जाता है ये राई का खट्टा तीखा अचार। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, अपना कमेंट ज़रूर दीजिए कि आपको अच्छी लगी या नहीं लगी। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय, टेक केयर।